नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हिमाचल के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दोपहर 1:30 बजे शिमला के रिज मैदान में शपथ ग्रहण करेंगे। इनके साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को भी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ औलेकर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। खास बात यह है कि सुक्खू के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और AICC महासचिव प्रियंका गांधी भी शिमला पहुंच रही हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद ठाकुर सुखविंदर सिंह ने शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को होली लॉन्ज में जाकर न्योता दिया। सुक्खू ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बाद में हूँ, पहले पार्टी के अंदर हूँ। प्रतिभा सिंह मेरी आदर्श है। प्रतिभा सिंह ने किसी तरह के मन मुटाव की बातों को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि वह शपथ ग्रहण समारोह में जरूर आएंगी। हिमाचल के DGP संजय कुंडू ने रिज मैदान पर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। रिज मैदान पर आने जाने वाले रास्ते को 11 बजे के बाद सील कर दिया जाएगा। रिज और माल रोड पर बैरिकेटिंग की जाएगी। कांग्रेस के लिए यह खास मौका है क्योंकि 2018 के बाद देश के किसी भी राज्य में कांग्रेस को पहली बार पूर्ण बहुमत मिला है। इसलिए पार्टी शक्ति प्रदर्शन कर शिमला से पूरे देश को संदेश देना चाह रही है। हालांकि शक्ति प्रदर्शन के लिए पार्टी को बहुत कम टाइम मिला है क्योंकि CM चेहरा होने के 19 से 20 घंटे के भीतर शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। पार्टी सूत्रों की माने तो इसमें भीड़ जुटाने के लिए शिमला और सोलन के साथ लगते चुनाव क्षेत्रों के विधायकों को निर्देश दिए गए हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।